महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्स कमीशन की तरफ और जो एस सी के आए हैं सारे वेलकम करना थैंक्स करना क्योंकि जो पर्पस प्रेस का या मीडिया का है अगर कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है या कोई यूनिवर्सिटी है उन्होंने अगर असं प्रॉपरली अगर साढ़े बच्चों तक साढ़े स्टूडेंट तक पहुँचाने अगर वो मीडिया वो कलैबोरेट कर लगा तो वह है कि जिमें कहने भी सोने के सुहागे वाली गल हो जाती है अज का जोड़ा सा पर्पज़ है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन परपज़ यही है कि असी जो स्टूडेंट्स वास्ते स्पैशली जम्मू एंड कश्मीर के जो बच्चे है उन्होंने वास्ते जो भी साढ़े को स्कॉलरशिप स्कीम्स है जा जिहड़े कोर्स असी रन कर रहे हैं उहदे बारे जानकारी देवांगे जिदा पहला दस चुके हैं जिहड़ी साडी यूनिवर्सिटी है महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी गौरमेंट यूनिवर्सिटी है कि क्योंकि उस तो पहला 2015 दे विच यूनिवर्सिटी बनी है उस तो पहला एको ही पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी सी PTU जिहदे थ्रू आउट इंडिया साढ़े लर्निंग सेंटर सीगे जिहदे डिस्टेंस एजुकेशन के प्रोग्राम चलते सी पर क्योंकि उस तो बाद जो UGC दीआं रेगुलेशनस आईआं जो गाइडलाइनस आईआं उहदे च जुरिसडिक्शन फिक्स हो गई और पंजाब गवर्नमेंट ने भी एक बहुत वधिया इनिशिएटिव लिया कि ताकि जो साढ़े जिन्ने कॉलेज है जां जिहड़े स्टूडेंट्स पंजाब स्टेट दे विच आउंदे है उन्हां नूं अगर प्रॉपर एजुकेशन देने वास्ते और वो यूनिवर्सिटी का बर्डन घटाने वास्ते जी PTU सी उन्हें दो यूनिवर्सिटी के बाइफरकेट कर दिता गया एक जी यूनिवर्सिटी हैगी है IKG PTU जिदे सारा दुआबा तो इस साइड के जो कॉलेज है वो एफिलेटड है और जी दूसरी यूनिवर्सिटी बनाई महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टैक्नीकल यूनिवर्सिटी तो वो तो ज़्यादातर जो मालवा खेत्र है उस वे क्योंकि टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट सके तो 11 डिस्ट्रिक्ट जिहड़े दोनों यूनिवर्सिटी को डिवाइड करके ताकि प्रॉपरली सारे कॉलेजों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर चैक करना है उन्होंने जो लैब्स है बाकी मटीरियल है या फैकल्टी है उसे असी प्रॉपर केंद्रित कर सकीए उस करके गवर्नमेंट ने दो यूनिवर्सिटियां बनाईया और साडी यूनिवर्सिटी का भी जिहड़ा मेन मैंडेट है वो टैक्निकल यूनिवर्सिटी होने करके जिहड़े प्रोफेसनल कोर्स है उन्होंने वास्ते है तो अज का जिहड़ा पर्पज़ है अज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उसी भी कि असी कोर्स रन कर रहे हैं किन्ने साडे कोल इंस्टीट्यूशन हैगे है ताकि जो ए स्टेट के बच्चे है जो स्टूडेंट्स है जो उन्होंने पेरेंट्स है उन्होंने कोल जी इनफॉर्मेशन है वो तुहाडे लोकां दे थ्रू ही जानी है प्रेस के थ्रू या मीडिया के थ्रू तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने करके साडे कोल सारे जो जिन्हें भी गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप हैगे है वो एप्लीकेबल है बहुत ज़्यादा है जिदे च बच्चे फ्री ऑफ कोर्स ईवन बहुते इदां दे स्कॉलरशिप है जिदे च रहण वास्ते भी जरा रीबर्समेंट हो जाती है तो टोटली जी एजुकेशन फ्री हैगी है तो सब तो पहला होंगे कि जोड़े थ्रू आउट इंडिया एप्लीकेबल है जिदा SC ST स्कॉलरशिप हो गया OBC जोड़े बच्चे है उन्होंने वास्ते स्कॉलरशिप स्कीम्स हो गई और स्पैशली जो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे है उन्होंने वास्ते सेंटर गवर्नमेंट तो भी जो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन है वो वालों भी हर एक डिसिप्लिन के जिदा अगर एक इंस्टीट्यूशन है उहदे विच साडे कोल 10 तरह दीआं सीट्स हैगीआं तो हर एक दे विच 3 या 4 स्कॉलरशिप मतलब जिहदे विच कोई ट्यूशन फीस नहीं सारी दी सारी जिहड़ी है ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टैक्नीकल एजुकेशन ने पे करनी है तो उस तरह दीआं स्कीम्स भी हैगीआं अगर बच्चे चाहुण तो उहदे विच भी दाखला लै सकदे आ पर क्योंकि जिन्ना जल्दी असीं अपनी रजिस्ट्रेशन यूनिवर्सिटी दीआं वैबसाइट ते कर लांगे उन्ना जल्दी सानूं उस स्कीम्स दा बेनीफिट मिल जू अदरवाइज़ की है कि जिन्ना असीं डिले करी जावांगे उस तो पहला जिहड़ियां स्कॉलरशिप वालियां सीट्स फिल हो जांदियां तो फिर जिहड़ियां सानूं फुल फीस ते ही दाखले मिलते हैं तो साडा जिहड़ा पर्पज़ है यूनिवर्सिटी का क्योंकि हुण जिहड़ा अज दा सिनेरियो है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होण करके सब तो पहली गल है कि जो भी तुहानूं इत्थे असीं इनफॉर्मेशन देवांगे जो साडी वैबसाइट के उपर इनफॉर्मेशन है वह बिल्कुल एथिकली करैक्ट होगी क्योंकि अदरवाइज़ की है कि बहुते ज़्यादा उस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आ गई जिहड़ियां एक बारी बच्चों नूं अपनी वैबसाइट के थ्रू जा अपने कोई उन्होंने जिदा कोई एजेंट्स है उन्होंने थ्रू इस तरह दी स्कीम दस देंदे आ जिहड़ियां एक्चुअल च बच्चे नूं फैसिलिटीज़ उत्थे जाके नहीं मिलदियां तो यह क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होने करके जो असीं गलबात कर रहे हैं एज सच सारे स्कॉलरशिप हर एक चीज़ उस तरह एप्लीकेबल होगी बहुत वधिया साडा कैंपस है क्योंकि असीं वैबसाइट का एड्रैस देवांगे बच्चे उहदे जाके विजिट कर सकते हैं विजिट करके सारे कैंपस का व्यूज देख सकते हैं फैकल्टी बारे बाकी चीज़ों बारे डिटेल देख सकते हैं
और जो प्रेजेंट सिनेरियो के हिसाब से बहुत ज़्यादा जो ब्लेंडेड मोड प्रोग्राम है जिहड़ियां बाहर वाली यूनिवर्सिटीज के साथ टाईअप है जिते 2+2 है जी ईवन रीसेंटली वी हैव साइंड वन एमओयू विद वन ऑफ द लीडिंग USA यूनिवर्सिटी है जी वेन स्टेट जी मिशीगन के हैगी है वेन स्टेट यूनिवर्सिटी इज वन ऑफ द टॉप रैंकर यूनिवर्सिटी इन USA तो वो जी कलैबोरेशन हुई है उन उस यूनिवर्सिटी ने जो भी असी बच्चों को क्रेडिट्स देवे जो असी बच्चों को पढ़ावे वो सारे के सारे वो रिकोगनाइज करते हैं तो जे बच्चा 3 साल साढ़े को पढ़ता है बीटेक की डिग्री तो सिर्फ एक इस प्रोग्राम के अंडर जाता है तो साडा कनेडा दी यूनिवर्सिटी के नाल भी एमओयू है USA दी यूनिवर्सिटी के नाल भी है जिदे च की है कि खर्चा फिर भी उन्ना ही होना है क्योंकि 2 साल जो इतने ला लूँ ज 3 साल इतने ला लूँ पर बाहर उन्हें 2 साल का ही खर्चा इंटरनेशनल फीस का तो उसे सेविंग बहुत ज़्यादा तो जॉब बड़ी वधिया मिलेगी ग्रैजुएशन की जिहड़ी डिग्री अंडर ग्रैजुएट की होगी वो डिफरेंट वैल्यू है एक तो यह चीज़ है जी मेन जो प्रोग्राम असी मैं कहना जो सा वेन स्टेट यूनिवर्सिटी के नाल जो एमओयू महाराजा रणजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी का होया दैट इज़ अ वन ऑफ इट्स काइंड एट द नैशनल लैवल किसी भी यूनिवर्सिटी के पेल इस तरह का कोई एमओयू नहीं है जिते 3 साल इस यूनिवर्सिटी तो पढ़ के तो 1 साल बच्चा उत्तर पढ़े तो उत्तर की डिग्री मिले और किसी भी इस वे एट द प्रेजेंट मूवमेंट किसी भी यूनिवर्सिटी का एमओयू नहीं है इन USA तो वो जी कलैबोरेशन हुई है उन उस यूनिवर्सिटी ने जो भी असी बच्चों को क्रेडिट्स देवे जो असी बच्चों को पढ़ावे वो सारे के सारे वो रिकोगनाइज करते हैं तो जे बच्चा 3 साल साढ़े को पढ़ता है बीटेक की डिग्री तो सिर्फ 1 साल अगर उन्हें जाके USA पढ़ना है तो उन्होंने उतों की डिग्री मिलनी है जिड़ी कि 4 साल का कोर्स है विच इज़ ए 4-year कोर्स ओनली 1 year द स्टूडेंट और हैव टू स्पेंड एट वेन स्टेट यूनिवर्सिटी तो जी 4 साल की अंडर ग्रैजुएट की डिग्री है उस यूनिवर्सिटी ने देनी है तो उस तरह 3+2 का प्रोग्राम है जिद 3 साल अगर बच्चा इंजीनियरिंग साढ़े को लाता है तो 2 साल उत्थे जाके पढ़ता तो अंडर ग्रैजुएट की डिग्री भी देंगे जिदा बीटेक की डिग्री होगी तो प्लस मास्टर्स की डिग्री तो वो अगर असी कंपेयर करिए जी कल्ली फीस है वो फीस का ही जी सेविंग है 1 करोड़ के आस पास क्योंकि अदरवाइज जो बच्चा 3 साल उत्थे पढ़ता है उत्थे जाके इंटरनेशनल फीस पे करता है तो बहुत ज़्यादा फीस पे करनी बनती है और वो की है कि वह एडवांटेज यह है कि असी हूँ बच्चों +2 तो बाद जो बाहरली यूनिवर्सिटी भेज रहे हैं तो उत्थे जाके कोई ना कोई डिप्लोमे का कोर्स कर रहे हैं जो कि डिग्री का कोर्स नहीं है तो डिप्लोमे का कोर्स करके उन्होंने जॉब्स उस तरह दिल्ली हैं। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ।